वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी के आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को आपको सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, कब फेंके, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए, आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों कि झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य अस्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है, और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर आप फिर बाहर ना फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें, फिर देखें कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें, आप घर से बाहर फेंक दें या डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंके, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों झाड़ू मामूली सी चीज़ है, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही ये शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दे और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का।
फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वो भी सही नहीं माना जाता है, इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है, इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज छुपा करके दबा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चूक चुके हैं, ये मौका आप गवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और वो चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो एक रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना ये एक रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रखे रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके आइए। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हत्ता जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, सफटीक का श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए इनमें से। अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवम्बर को लाभ पंचमी आएगी, उस दिन भी सुबह 6:41 से सुबह के 10:08 तक आप ये काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले, ये आप किसी भी समय कर सकते हैं, करना आपको रात के समय, आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।